आपको पेपर में पढ़ के ये लगा कि इंडिया में बहुत फंडिंग बढ़ रही है तो मैं भी एंटरप्रेन्योर बन जाऊं और मैं भी ओवरनाइट यूनिकॉर्न बन जाऊंगा, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, जो पहले 2 या 3 मिनट का होता है। उसके अलावा एक भी चीज आपने जो टीवी पर देखी है उसके रिलेटेड इस वीडियो में हम अनीश बासु जो की को फाउंडर है टैग्स के, उनको इंटरव्यू करेंगे। टैग्स को आपने शार्क टैंक में देखा होगा और मेरे हिसाब से तो यार इनका सबसे ज्यादा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन था और मुझे तो लग रहा है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही क्वालिफाइड है शार्क टैंक के लिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वीसी से फंडिंग रेस करी हुई थी, प्लस अनीश इससे पहले भी सक्सेसफुल एक स्टार्टअप को चला चुके हैं। पर तभी आप देखेंगे कि यार एक्चुअल में शार्क्स इसीलिए लड़ रहे थे टैग्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जानेंगे ओवरऑल कि टैग्स क्या है, उनकी शार्क टैंक की जर्नी कैसे रही, शार्क टैंक से उनको फ़ायदा क्या हुआ, प्लस क्या लर्निंग्स रही, शार्क टैंक में कितना सच है कितना झूठ है, और एंड में वो कुछ एडवाइस भी देंगे जो हमारे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स प्लस जो एंटरप्रेन्योर्स आगे आके शार्क टैंक में जाना चाहते हैं उन दोनों के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, जल्दी से इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा अनीश को स्टार्टअप ज्ञान पे। अनीश, वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान। हाय अर्नब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो, मींस अ लॉट, हैप्पी टू बी हियर। अब काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो शो है ये कितना रियल है या कितना स्क्रिप्टेड है, क्योंकि हम जब दूसरे रियलिटी शो देखते हैं हमको बाद में पता चलता है कि काफी हद तक स्क्रिप्टेड है। तो ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी था शो पे जाने के पहले, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आपने जो हमारा इनिशियल पिच देखा था जो पहले 2 या 3 मिनट का होता है, ओके, उसके अलावा एक भी चीज आपने जो टीवी पर देखी है वो स्क्रिप्टेड नहीं। ये मैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ 100% कह सकता हूँ कि शार्क्स शायद पहली बार प्रोडक्ट को, ब्रांड को, एंटरप्रेनर को पहली बार तब एक्सपीरियंस करते हैं जब उनके सामने शोकेस आई थिंक रखा जाना शुरू होता है। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम वो उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं। और तमाम आप जो सवाल उसमें देखते हैं एकदम रियल है। हमारे सारे रिस्पॉन्सेज एग्जैक्ट वही रिस्पॉन्सेज हैं जो हमने उनको दिए उस टाइम पे। डिफरेंस यही है कि आप में भी शायद 10 या 12 मिनट का कवरेज देखते हैं, वो जो पूरी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, वो जो पूरी वार्तालाप होती है, वो शायद करीब 1.5-2 घंटा भी चलती है। तो आपका अप्रोक्स कितना, 1 घंटे से ज्यादा ही था जो पिच आपने जो पूरा किया था, पिच से लेकर डील तक? हाँ, सो आई थिंक पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी, इनफैक्ट मुझे तो बाद में आके पता है क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग थी। सी, जब आपके सामने 5 फेलो एंटरप्रेनर्स भी हों जिन्होंने अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसेस बिल्ड किए होते हैं, वो कॉन्वर्सेशन का इंटरेस्ट लेवल एक अलग ही जाता है। जब हम वापस आए तब हमें बताया गया कि हम 2 घंटे तक अंदर थे, बट वो 2 घंटे कब निकल गया पता भी नहीं चला। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि आप ऑलरेडी वीसी फंडेड थे और आई गेस आपको भी मेंटर्स, क्योंकि आप पहले भी एंटरप्रेनर रह चुके हैं तो मेंटर्स और नेटवर्क का एक्सेस तो आपके पास था, तो आपका मेजर रीजन शार्क टैंक में जाने का क्या था? क्या ब्रांड विजिबिलिटी था या इसके अलावा भी कुछ और था? सो इसमें बिल्कुल बिना किसी झिझक के मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा फॉरमोस्ट रीजन तो डेफिनेटली ये था कि टैग्स इज अ कंज्यूमर ब्रांड। हम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे स्नैकिंग एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, बहुत इनोवेटिव स्नैकिंग एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। हमारे जैसे ब्रांड को अगर विजिबिलिटी मिले, वही अपने आप में सबसे बड़ा यू नो एसेट है अगर मैं कहूँ, राइट? तो हमारा सबसे फॉरमोस्ट रीजन तो डेफिनेटली था कि हम वहाँ जाएं और ब्रांड को नेशनल टेलीविजन पर शोकेस कर सकें, सो दैट मिलियंस ऑफ लोग हमारा ये प्रोडक्ट देख सकें। हाँ, लेकिन उसके साथ में आई थिंक द अदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज कि अगर कुछ अच्छे लोग आपके साथ आकर के जुड़े, वो अपने आप में धंधे में एक बहुत बड़ा बेनिफिट और लेकर के आता। नंबर 3 पार्ट इज पॉसिबली कैपिटल, यू नो द काइंड ऑफ कैपिटल, द एवरेज जो चेक साइज होता है शार्क टैंक पे, शायद हमारे जैसे बिजनेस के लिए इन द लॉन्गर टर्म बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता है। और ये जो आपको ब्रांड विजिबिलिटी मिला, तो क्या आपके जब ये टेलीकास्ट हुआ क्या आपके सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गए, और बढ़े तो कितने ज्यादा बढ़े? सो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर कर सकता हूँ, ओके? पिछले 1 महीने में, ओके, अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये शो टेलीकास्ट होता है, जितनी कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा काफी मात्रा में है वहां पर जो टेलीकास्ट होता है, हमारे पास ऑलरेडी 1200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सपोर्टर इंक्वायरीज आ चुकी है, राइट? हमारी इतनी सारी कॉन्वर्सेशन चल रही हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ऑलरेडी हम करीब यू नो वो मतलब 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिलिंग कर चुके हैं जिन्होंने सिर्फ टीवी पे हमारा प्रोडक्ट देखा और मंगवाया है। ऑन दी सेल्स फ्रंट, हमारी जो ऑनलाइन सेल्स है, ओके, 3.5x जंप हो गई है
इनफैक्ट ऑन द डे ऑफ द टेलीकास्ट तो मैं आपको बता भी नहीं सकता था यू नो कितना हमें इसमें फायदा मिला है. हमारी जो सारी एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स हैं, सारी चीजों को ऑप्टिमाइजेशन, रोआस एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के लिए, राइट, वो ऑलमोस्ट 3.5x जंप हो गया है. अमेजोन पर इनफैक्ट पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे, हमारी जो कैटेगरी है चिप्स, उसमें जो टॉप 20 कीवर्ड्स हैं, उसमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर नाउ विद टैग्स. सो 20 में से 4 कीवर्ड्स टैग्स के ही हैं. सो ये जो विजिबिलिटी है ये सिर्फ शार्क टैंक की वजह से, और इससे जैसे कि आपने बताया सेल्स में भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा. एब्सोल्युटली, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म. तो अनीश, पहली बात आप ये बताइए कि यार टैग्स एक्चुअल में है क्या? अर्नब, टैग्स एक प्रीमियम स्नैक ब्रांड है जिसकी अगर मैं ब्रांड पर्सनालिटी की बात करूं तो ये बहुत ही अर्बन और जेन जी ब्रांड है, राइट. हम कुछ 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं एज अ स्नैक ब्रांड. उसमें पहली चीज ये है कि हम हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को ऐसे स्नैकिंग एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं जो कि अपने आप में बहुत इनोवेटिव, राइट. जैसा कि पॉप्ड पोटैटो चिप्स बनाने वाली हम इंडिया की पहली कंपनी है, राइट. नंबर टू, हम बहुत ही टेस्ट फर्स्ट कंपनी है, राइट. हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एक कॉमन चीज होती है, वो ये है कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स लिप स्मैकिंगली टेस्टी होते हैं, क्योंकि अगर टेस्टी नहीं है तो हम बनाते हैं नहीं. नंबर थ्री, हमारे प्रोडक्ट्स टेस्टी तो है ही, बट उसके साथ में हमारे सारे प्रोडक्ट्स थोड़े बेटर फॉर यू भी हैं. मतलब कि कम फैट, कम शुगर, कम कोलेस्ट्रॉल, कम कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो, इसकी मात्रा हमारे प्रोडक्ट्स में हमेशा कम होती. चौथी चीज जो पर्सनली मेरे लिए और हमारे ब्रांड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक सस्टेनेबल ब्रांड है. हम एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए एक ब्रांड बनाना चाहते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक चीज जो मैं शेयर करूंगा ऑलरेडी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ यंग कंपनी, हम ऑलरेडी एक प्लास्टिक न्यूट्रल ब्रांड है. मतलब हम जितना प्लास्टिक शायद जेनरेट करते हैं एज पार्ट ऑफ आवर पैकेजिंग, हम उतना ही प्लास्टिक रिसाइकल भी करते हैं, राइट. तो इन अ नटशेल, इट्स अ अर्बन जेन जी इनोवेटिव स्नैकिंग एक्सपीरियंसेस का ब्रांड, और प्रोडक्ट्स हमारे काफी एक्साइटिंग है. पॉप्ड पोटैटो चिप्स हैं, हमारे प्रीमियम बार स्नैकिंग चिप्स हैं, यू नो हमारे इंटरनेशनल गुरमे डिप्स हैं, हमारा डार्क चॉकलेट सिगार्स अभी जस्ट लॉन्च ही हुए हैं, और इसके बाद कुकीज में भी आप हमसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की उम्मीद रख सकते हैं. एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन था, 70 करोड़ का वैल्यूएशन लेके गए थे और आपको वो वैल्यूएशन नहीं मिला, और ऑलमोस्ट उतना ही मिला जितना आपके पिछले फंडिंग राउंड में, आई गेस 20 क्रोज में आपका इससे पिछले वाला फंडिंग हुई थी. तो इससे जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उससे कोई प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ नहीं होता? जैसे कि आपने बताया सेल्स और ये सारी चीजें बढ़ गई तो उतनी दिक्कत नहीं होती है. तो इसमें भी मैं अर्नब एक काफी यूनिक पर्सपेक्टिव आपके सामने रहा. तो अगर मुझसे कोई पूछेगा आज अगर हम इंस्टीट्यूशनल कैपिटल रेस करेंगे तो मुझे ये लगता है कि हमने जो वैल्यूएशन कोट करी थी इज वॉट इज द ट्रू वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप इस शो में शायद कैपिटल के लिए ही नहीं जा रहे हैं, आप विजिबिलिटी के लिए जा रहे हैं, ओके. और अगर एंड बीच में हमने छोटा सा एक एक्सरसाइज किया था, ओके. और मैं कुछ आपके साथ आंकड़े शेयर करता हूँ कि पिछले एक महीने में ऑलरेडी सोनी लिव और सोनी टीवी मिलाकर के हमें करीब 42 मिनट का प्राइम टाइम कवरेज मिल चुका है, ओके. अगर मैं ये 42 मिनट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर एज अ ब्रांड हम खुद अपना एड रन करना चाहें टीवी पे, इसकी मॉनेटरी वैल्यू 3 करोड़ रुपए से कम नहीं हो. मैं कह रहा हूं कि अगर मैं उसको डिस्काउंटेड तौर पे मैं ये भी मान लूं कि मुझे 2 करोड़ का मीडिया एसेट मिला, 3 करोड़ भी नहीं, मुझे 2 करोड़ का अगर मैं कहूं कि मुझे मीडिया एसेट मिला, राइट, प्लस मैं 70 लाख रुपए प्लस थोड़ा और कैपिटल भी हमने रेज किया, राइट, तो कंपनी की वैल्यूएशन अगर मैं लगाऊं फॉर द स्टेक दैट वी डाइल्यूटेड बिकम्स 98 करोड़. प्रॉब्लम यह है कि हर कोई सिर्फ ये देख रहा है कि 70 लाख. सी, इट इज नॉट 70 लाख. आपको 2 करोड़ के वर्क का मीडिया एसेट मिल रहा है, उसको भी तो कैलकुलेशन में रखना जरूरी है. एक क्वेश्चन मेरा ये भी आता है कि ओवरऑल आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही है टैक्स के बाद, उस टाइम में आपका सबसे लो मोमेंट क्या था, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उस लो मोमेंट को ओवरकम कैसे आपने किया?
अर्नब, आप एंटरप्रेन्योर से रोज बात करते हैं, आई एम श्योर आपको सब लोग यही कहते होंगे कि लो मोमेंट्स हमारी जिंदगी में रोज होते हैं, राइट? हमारी हमारी जिंदगी में एज एंटरप्रेन्योर्स आई थिंक हाई मोमेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जो ह्यूमन प्रजाति है उसमें जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सब प्रजाति है वो एंटरप्रेन्योर्स की होती है, क्योंकि हम लोग 10 चीजें करते हैं उसमें से 9 चीज में फेल होते हैं, एक चीज चल पड़ती है लेकिन वो हमें इतनी एनर्जी दे देती है कि हम फिर से 10 चीजें करने निकल पड़ते हैं। तो हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। सो 2019 में हमने कंपनी फॉर्म करी और फरवरी 2020 में हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, और लॉन्च करते साथ आई थिंक कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया में कोविड आ गया और उसके बाद लॉकडाउन आ गए। सो एट अ वेरी अर्ली स्टेज ये काफी टीम्स के लिए काफी बड़ा सेटबैक होता है, हमारे लिए भी था। सडनली हमारे दिमाग में जो प्लान था कि हम पहले ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड करेंगे, अलग अलग सिटीज में एक्सपैंड करेंगे, ये सारी चीजें करीब 6 महीने तक नहीं हो सकी, राइट? लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये डेफिनेटली हुआ कि एक बहुत ही यंग टीम, एक बहुत ही छोटी कोर टीम ने बहुत शुरुआती जर्नी में काफी टफ एक पीरियड देखा, जिसकी वजह से रेजिलियंस जो चीज होती है, सहन शक्ति जो चीज होती है पूरी टीम में एक अलग लेवल की। अब ये होता है कि कोई भी अगर चीज नहीं चलती है, कोई भी चीज अगर हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रही है, शायद ये कोर टीम को उतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम उस दौर से निकल के आ गए तो अब क्या चीज। और अभी जैसे कि आई थिंक एक महीने से आधा हो गया आपका ये एपिसोड टेलीकास्ट हुए, तो क्या अभी आपकी साक्षात मीटिंग स्टार्ट हो गई है या वो थोड़े कुछ टाइम बाद एक्चुअल में शुरू होगा? सो ऑन एंड ऑफ तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पर, फोन कॉल्स वगैरह पर, वीडियो कॉल्स के ऊपर तो एनीवेज इंटरेक्शन होता ही रहता है, मे बी और भी ज्यादा इन पर्सन इंटरेक्शन हुआ होता, बट वी आर इन द मिडल ऑफ अनदर न्यू वेव, और उनमें से एक जो शाख है उनका उनकी खुद की कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो वो भी थोड़ा सा इसलिए उसमें बिजी हैं, बट आई थिंक ऑफ द कफ हमारी कॉन्वर्सेशंस एंड आइडियाज एक्सचेंज एंड थिंग्स दैट वी कैन डू टुगेदर, वो सारी चीजें इन पैरेलल चल रही हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये जो आपके कॉन्वर्सेशंस और ये चल रहे हैं तो इसमें भी आपको काफी हेल्प मिलती होगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी या नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए या वो सारी चीजों में। सो आई थिंक ये एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर डिपेंड करता है। अभी जैसा आपने कहा ये मेरा सेकंड वेंचर है, 10 साल से मैं खुद अपना बिजनेस चला रहा हूँ, सो मेरी इक्वेशन शायद थोड़ी सी अलग होगी, जहाँ हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में उतना एक्सचेंज इंटरचेंज शायद नहीं होता है, बट देन हम लोग सीधे we dive into things that we can potentially look at going together, for the business, right? So, किसी के साथ अगर बातचीत चल रही है, can we tap into their network to get some other celebrities also to, promote our product or endorse our product? Product seeding वगैरह जैसी चीजें already शुरू हो गई हैं। किसी retail chain के साथ directly if they know somebody senior in touch, हमको connect करके already वहाँ conversation शुरू हो गई हैं। इस तरीके की चीज़। I think things which will immediately have a impact on the business. क्योंकि आप इतने सालों से entrepreneurship कर रहे हैं, आप जो हमारी यूथ है जो कि अभी धीरे धीरे उनको स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चल रहा है, उनको क्या एडवाइस देंगे जो कि अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या अभी जान रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में? सो अनब दो चीजें यहाँ पर, हाँ 10 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया और बाकी लोग यूथ है। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी वजह से आदमी परपेचुअली यंग रहता है। आई सी सो मेनी पीपल टुडे जो 40 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं, 50 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? उनके लिए कुछ बहुत सिंपल चीजें मैं शायद ये रखना चाहूंगा कि ये जर्नी आसान नहीं है। तो अगर कभी आपको पेपर में पढ़ के ये लगा कि इंडिया में बहुत फंडिंग बढ़ रही है तो मैं भी एंटरप्रेन्योर बन जाऊं और मैं भी ओवरनाइट यूनिकॉर्न बन जाऊंगा, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है, और ये काफी काफी कठिन जर्नी है, राइट? तो मेंटली उसके लिए आप तैयार हो जाएं। नंबर टू, एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड, आप किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स आप डिलीवर करने वाले हैं, इन चीजों के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू मच बाय व्हाट यू आर सीइंग अराउंड। अगर आप एक प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, वो प्लान में अगर बहुत सारी चीजें नहीं चल रही हैं तो प्लान को पिवट करें, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरली इन्फ्लुएंस ना हो जाएं आसपास के इकोसिस्टम में जो हो रहा है वो देख करके, राइट? फोकस्ड एग्जीक्यूशन इज व्हाट इज
द नेम ऑफ द गेम. आइडिया शायद 1% है, दिस इज ऑल 99% एग्जीक्यूशन का गेम एंटरप्रेन्योरशिप. और तीसरी चीज ये ब्रेक्स लेना ना भूल. ये मेंटली एग्जॉस्टिंग एक जर्नी है, राइट. फैमिली को अपने पास रखें, क्योंकि जब कुछ भी नहीं चलेगा तो वही आपके साथ रहेंगे. दोस्तों को अपने पास रखें, पैशंस और हॉबीज कल्टिवेट करें, राइट. जिससे कि आपका माइंड दिन के 24 घंटे सातों दिन 365 दिन सिर्फ ये ना सोच रहा, वरना बर्नआउट हो जाए. ये एक ऐसी जर्नी है. तो इनफैक्ट मैंने अभी इसके बारे में बहुत एक पोस्ट भी लिखा था कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है ये स्प्रिंट नहीं है. स्प्रिंट तो डेफिनेटली नहीं, 100 मीटर की रेस नहीं है जो आप 100 मीटर में जल्दी से खत्म करके और जीत जाएंगे. ये शायद मैराथन भी नहीं है. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ बॉक्सिंग मैच. आप जितने ज्यादा राउंड्स सर्वाइव कर जाएंगे, आप कितनी मार खा सकते हैं और फिर भी उठ के खड़े रह सकते हैं, इज व्हाट विल डिटरमिन योर सक्सेस. तो अगर इतनी मार खानी ही है, इतने डिसअपॉइंटमेंट्स देखने ही है, तो इस जर्नी को एंजॉय किया जाए. और वो ऐसे किया जाए कि आप अपने पैशंस बिल्ड करें, फैमिली रखें, फ्रेंड्स रखें अपने साथ में, सो दैट जर्नी यादगार. और अभी जैसे कि ये एक सीजन शार्क टैंक का खत्म होगा, अगली बार और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, तो अगली बार जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो कि शार्क टैंक में आना चाहते हैं, उनको क्या गाइडेंस देंगे या क्या एडवाइस देंगे कि यार ये दो तीन चीज करके अगर आप आओगे तो शार्क टैंक में डील मिलना या सक्सेस मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं. मेरी एडवाइस कुछ भी बहुत अलग होने वाली है. बेसिक्स पर मैं अगेन फोकस करूंगा. एक चीज जो मैं शायद चीट कोट की तरह शेयर करना चाहूंगा, आई थिंक अगर आप अपने बिजनेस को शार्क टैंक पर देखना चाहते हैं, राइट, तो अगर मैं सिर्फ पिच की बात करूं, ओके, आप पिच को एज पिच ना देखें. आप उस पिच को ये देखें कि आप शायद एक 10 मिनट का या 12 मिनट का एड बना रहे हैं, राइट. तो आपका जो ओपनिंग 3 मिनट है वो किसी टीवी के एड से कम नहीं होना चाहिए, राइट. उसमें आपके प्रोडक्ट की खूबियां थोड़े थिएट्रिकल अंदाज में, राइट, कंज्यूमर उसको किस तरह से रिलेट करेगा वैसे विजुलाइज करें, राइट. तो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट. मतलब बहुत लोगों को पसंद आया हमने जब अपनी ओपनिंग वो ऑयल शॉर्ट्स के साथ करी थी. बिल्कुल, right? बिल्कुल, हाँ, वो भाई मैं आपको बताने वाला था कि वो ऑयल शॉर्ट्स वाली चीज से एक रिटेंशन फैक्टर भी आई गेस सबको रहता है कि हाँ भाई टैग्स, मतलब हाँ वो ऑयल शॉर्ट बोल रहे थे. सबसे बढ़िया बात है वो बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि फिर टैग्स हेल्दी है, क्योंकि हमने अपने पिच को शायद पिच की तरह देखा ही नहीं. हमने कहा कि हम तो एड बना रहे हैं, ओके, और इसमें एक्टिंग भी हमको खुद ही करनी है और इसका स्क्रिप्ट भी हमें लिखना है. तो हमने इसको एकदम एक एड की तरह ही सोचा, राइट, और एक एड की तरह ही प्रेजेंट किया. क्योंकि इस शो का सबसे बड़ा इंटेंशन क्या है, ओके, इस शो का मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करके देश के ऐसे कोनों में लेकर के जाए जहां पर अदरवाइज वो नहीं पहुंच सकते. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मकसद है. और उस मकसद में प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके एक एड की तरह दिखा पाना बहुत जरूरी है. और मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी चीज है जो कि किसी को भी ध्यान में रखना चाहिए. आप ये ना सोच के जाएं कि आप किसी इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हैं, आप ये सोच के जाएं कि आप तो कंज्यूमर्स को पिच कर रहे हैं. वो जो शार्क्स सामने बैठे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मे बी ऑल द कंज्यूमर्स हु आर व्यूइंग द शो. बाकी अपने धंधे की पकड़, अपने नंबर्स के ऊपर फोकस, राइट, अपने प्लान्स को लेकर के क्लैरिटी, ये सारी चीजें तो होना ही चाहिए अगर आप अच्छा बिजनेस बनाने की तमन्ना रखते हैं. तो अनीश, होपफुली टैग्स और भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएगा और हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस हमारे लिए प्रोवाइड करेगा. एंड आपके प्रोडक्ट जैसे कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, आगे आके और भी पॉपुलर होंगे, पर यहाँ पे इंटरव्यू से जो आपकी लर्निंग्स है उससे होपफुली हमारी यूथ और ज्यादा मोटिवेट होके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आएगी. एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए. थैंक यू सो मच अर्णव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड होपफुली जैसा आपने कहा, इस कॉन्वर्सेशन से कुछ और लोगों का भी फायदा हो. हम एक काफी यूनिक जर्नी पर हैं, जहां हम एक इंडियन ब्रांड को ट्रूली इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं. एंड अभी तक कंज्यूमर्स का, पार्टनर्स का, पूरी टीम का, सबका बहुत अच्छा साथ रहा है. मैं उम्मीद बस ये करता हूँ कि ये लोगों का साथ और बरकरार रहे और हमारी जर्नी और फास्ट हम एग्जीक्यूट कर सकें. ऑल द बेस्ट अनीश. थैंक्स अ लॉट.
तो दोस्तों ये था अनीश के साथ इंटरव्यू। आई होप आपको इस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो भैया वीडियो को ज़रूर लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। आ गया मैसेज, स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।